राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में है। सफर के मुताबिक सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 309 रहा। NCR में भी हवा बेहद खराब है, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में सोमवार सुबह 8 बजे PM 2.5 का स्तर 300 रिकॉर्ड किया गया। वहीं सेक्टर 51 में PM 2.5 का स्तर 350 दर्ज किया गया। नोएडा में AQI बहुत खराब श्रेणी में लगभग 344 दर्ज किया गया। वहीं सोमवार सुबह गुरुग्राम का AQI भी 290 रहा था। इसके अलावा धीरपुर में 375, लोदी रोड में 256, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में 306, मथुरा रोड पर 316 और पूसा में AQI 293 दर्ज किया गया। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में AQI 325 रहा, जबकि खराब श्रेणी के साथ IIT दिल्ली में AQI 350 रहा। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया है। वहीं दिल्ली में हवा में पराली के धुएं की हिस्सेदारी रविवार को 24% तक पहुंच गई। सफर का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के बीच लोगों को खराब हवा से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। पराली का धुआं राजधानी दिल्ली का दम घोट रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने के चलते इस समय दिल्ली की तरफ पराली का धुआं काफी मात्रा में आ रहा है। सफर के मुताबिक रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी 24% तक रही, जबकि PM10 और PM2.5 की हिस्सेदारी 57% रही थी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।